ভেঙে গেছে এটা? হ্যাঁ, জবরদস্তি করেছে কেউ? এটা কেমন করে হয়েছে? এটা আমি জানি না, আমি ইউজই কোথায় পড়েছি বলো। এটা না একটু আরেকটু ছোট হলে না ভালো হতো। হয়েছে, টাইট হয়েছে। ঠিক আছে, থাকতে দাও, ওটার সাথে মতলব নেই। আর এটা এত ভারী হবে না যেটা আমি নিয়ে কোথাও ক্যারি করাও যায় না। আরও লোকেরা সব ছোটো ছোটো ওটা ক্যারি করে। ভিডিওটা অন করে রেখেছো। হাই ফ্রেন্ডস, তো আজ আমি আপনার সাথে শেয়ার কর রি হুম কি মে কিস তরহ সে ভিন্ডি পেঁয়াজ কি সবজি বানাতি হুম। তো মানে দেখি, ইস তরহ সে চার পেঁয়াজ লিয়ে আর ইস পেঁয়াজ কো মে আচ্ছে সে ধোকর ইসকো মে বারিক কাট দুঙ্গি। আব ইসকো একদম বারিক বারিক মে কাট লেতি হুম। इस तरह से मैं सारे प्याज को मैं ऐसे ही काट लूंगी। प्याज मेरे बारीक कट चुके हैं और यहाँ पर भिंडी को भी, आधा किलो भिंडी को मैंने अच्छे से धोकर बारीक मैंने देखिए ऐसे पीसेस में मैंने काट लिए। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। तो मैं देखिए यूज़ कर रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल, एकदम थोड़ा सा। जब तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तो तब मैं इसमें प्याज डालकर इसमें मैं भूनूंगी। तो हम हाथ से ऐसे देखते हैं, तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने जो प्याज काट के मैं रखी थी मैं इसमें डाल दूंगी। हम अच्छे से थोड़ा सा रेड होने तक प्याज को भूनेंगे। तो जब तक मेरा प्याज थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर का हो रहा है तब तक मैं चलिए फटाफट आटा गूंथ लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है तो मुझे जल्दी जल्दी काम अपना ख़त्म करना है। आटा गूंथ कर मुझे फटाफट पराठे और रोटी भी बना लेनी है। मेरा आटा गूंथ कर बिल्कुल तैयार है। आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा ऐसे, अगर इस तरह से ज़रूर कर दिया करिए, प्लेन आटा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको ढककर मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो चलिए तब तक देखते हैं मेरा प्याज रेडी हुआ है कि नहीं। तो प्याज भी देखिए अच्छे से भून चुका है। अब जो मैंने भिंडी बारीक काट के रखी थी मैं इसमें डाल दूंगी। तो
इसमें मैं डालूंगी देखिए 2 से 3 ऐसे हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, देखिए मैंने बहुत थोड़ी सी हल्दी का मैंने यूज किया है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर का यूज किया है। ये मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला। बस इसको ढककर हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अपने रोटी भी बना लेती हूँ, रोटी और पराठे। तो जब तक मेरी भिंडी पक रही है तब तक बेसिन में जो थोड़े से बर्तन है मैं उसको धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाता है, मैं फटाफट करती भी रहती हूँ। चलिए अब जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ। आइए चेक कर लेते हैं। तो भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है, अब गैस को बंद कर देते हैं। हस्बैंड का
पैक कर दिया।